नमस्कार दोस्तों, अंजलि ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। ये देखिए कपड़ा है, ये मशीन कपड़ा आगे नहीं फेंक रही है और ये मशीन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये फूंद मार रही है, मतलब नीचे से कीजिए सिलाई अच्छी नहीं आ रही। ये देखिए ये कपड़ा हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल भी आगे कपड़ा नहीं बढ़ रहा है। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इसकी जो दांती है, ठीक है, या तो ख़राब हो चुकी है तो इसको बदल सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए अभी तो हमारी दांती ये जो है ये सही सेट है, ठीक है। इसकी जो सेटिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसकी जो सेटिंग होती है यहाँ से इसको आपको लूज़ करके ऊपर और नीचे की कर सकते हो। आप चाहो तो ऊपर कर सकते हो अगर दांते ज़्यादा नीचे आ गए। देखिए जैसे ये दांते हमारे अभी ऊपर में है तो ये सही है, इसको अभी हमको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी जो प्रॉब्लम आती है हमारी एक कैम की सेटिंग, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चिमटा और कैम की सेटिंग। ये चिमटा और कैम की सेटिंग होती है यहाँ से, इसके कारण भी कपड़ा आगे नहीं फिकता है। ये देखिए इसको हम खोलेंगे, इसको मैं सेट कर देता हूँ पहले। ये देखिए इसको यहाँ से हम सेट कर देंगे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना कि इसको आपको हल्का सा पहले घुमाना है कि घूमे ना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमने सेट कर दिया है, ठीक है। आपका ये जो नट है, ये नट आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसका ये झूला, इसको बोलते हैं झूला जिसमें संतरी फंसती है, इसमें संतरी फंसी है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको तिरछा रखना पड़ेगा। इसकी सेटिंग ये होती है कि ये नट की सिद्धाई में हमको ये देखना पड़ता है, ये जो झूला वो आपका तिरछा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आपकी सिलाई नहीं आएगी, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, अगर ये सीधा होगा तो आपकी सिलाई नहीं आएगी, ठीक है, और ना कपड़ा आगे बढ़ेगा। आपको ये नट के, ये देखिए नट ऊपर आ रहा है, ये नट के सिद्धाई में इसको थोड़ा टेढ़ा रखना है, ये झूला को इसके मुकाबले टेढ़ा रखना है। इसकी सेटिंग बस इतनी रहती है। अब हम देखेंगे कि हमारा कपड़ा आगे फिक रहा कि नहीं फिक रहा। तो इसकी सेटिंग आपको मैं फिर से दोबारा समझा देता हूँ। ये जो नट रहता है, ये नट को हम इससे देखते हैं कि ये झूला है हमारा, ये झूला टेढ़ा जाना चाहिए। ये झूला अगर ऊपर और नीचे हो जाएगा तो सेटिंग बिगड़ जाएगी। और इसमें ये जो केम है, मैं आपको बता दूँ, ये केम है और ये चिमटा है, ये केम है और ये चिमटा है, ये चिमटा और केम की सेटिंग रहती है और ये झूले की भी रहती है। तो इसको हमको ये नट के सिद्धाई में ऐसा देखना है और ये जो वाला भाग है ये थोड़ा सा टेढ़ा रहना चाहिए इस साइड में। अब हम देखते हैं सिलाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा कपड़ा आगे बढ़ने लगा है, ये देखिए। और मैं इसमें आपको चाल की सेटिंग भी करके दिखाता हूँ, अगर हमको मोटी सिलाई रखना है तो मोटी सिलाई हम कैसे कर सकते हैं, बारीक सिलाई हम कैसे कर सकते हैं। ये कपड़ा हमारा आगे फिकने लगा है, ये देखिए ये कपड़ा हमारा पूरा आगे फिकने लगा है। अब मैं आपको चाल दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो आला, ये जो है इसका चाल, इसको हम ऊपर करते हैं तो इसमें मोटी सिलाई आती है, ठीक है। अगर हम इसको नीचे करेंगे तो इसमें बारीक सिलाई आएगी। मैं आपको कागज़ में पहले चला के दिखा देता हूँ कि अगर हमको चाल बढ़ानी है, अगर मोटी सिलाई अगर किसी की मशीन में या इस ऊपर में, ऊपर करने के बावजूद भी एकदम छोटी सिलाई आ रही है तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। तो दोस्तों ये ऊपर आप करोगे तो आपको ऊपर मोटी सिलाई आएगी और नीचे करोगे तो बारीक सिलाई आएगी। अब मैं आपको इसमें चला के दिखा देता हूँ। जैसे कई मशीनों में प्रॉब्लम क्या रहता है कि वो ऊपर कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सिलाई बारीक आती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ चला के। ये देखिए दो मिनट ऐसा दिखाइए उनको, ये देखिए, ये देखिए इसमें बारीक सिलाई आ रही है, ये देखिए देखिए मोटी सिलाई नहीं है, ये बारीक सिलाई है। ये देखिए कितनी बारीक सिलाई आ रही है, ये देखिए ये बारीक सिलाई आ रही है। इसको हमने कर दिया है, देखिए इसको हमने ऊपर कर दिया, इसके बावजूद भी इसकी सिलाई बारीक आ रही है। अब इसकी जो सेटिंग रहती है वो सेटिंग यहीं से रहती है, ये चिमटा। तो हमने इसको जब ये कपड़ा आगे नहीं फिक रही थी तो इसको हमने पीछे करा, इसको थोड़ा झूला को टेढ़ा करा तो ये ज़्यादा टेढ़ा हो गया है। तो इसको हम कुछ सेटिंग से पीछे करिए, कैमरा पीछे करिए,
मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा लूज़ करेंगे और इसको थोड़ा हल्का सा ऐसा घुमा देंगे, ये देखिए हल्का सा, बस थोड़ा ऐसा करेंगे, ये हल्का सा अपन ने इसको घुमा दिया है, ये देखिए इसको हमने हल्का सा घुमा दिया है, ये देखिए, ठीक है। आप इधर करोगे ना ऊपर साइड में, तो ऊपर साइड करोगे तो इसकी जो सिलाई आएगी वो बारीक आएगी, और पीछे साइड करोगे तो मोटी सिलाई आएगी। इसकी सेटिंग यहाँ से रहेगी। ये झूला जो दिख रहा है आपको, इसको अगर हम ऊपर करेंगे, ये देखिए इस साइड करेंगे तो इसकी सिलाई ऊपर आए मतलब बारीक आएगी, और अगर हम पीछे करेंगे तो इसकी सिलाई मोटी आएगी। अब देखिए हम इसको, हमने पीछे कर दिया झूले को, अब देखिए हम चला के देखेंगे, ये देखिए इसको हम, अब ये देखिए, ये देखिए बारीक सिलाई आने लगी है, ये देखिए, ये देखिए इसमें आने, ये बारीक सिलाई आ रही थी इसमें, अब इसमें मोटी सिलाई आने लगी। आपको यहीं से फ़र्क नज़र आ गया होगा, इसको हमने जब इसमें चलाया कागज़ में तो इसकी जो सिलाई आ रही थी वो बारीक आ रही थी, अब हमने इसकी जो सेटिंग करी थी इसकी सिलाई मोटी आ रही है। अब मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा कि इसकी सिलाई, अब हमको चलाने पे पता चलेगा, ऐसे नहीं समझ में आता है। ये देखिए ये जो दाने दाने दिख रहे थे ना आपको, ये छोटी सिलाई आ रही थी, इसको हमने ऊपर करा है, ये देखिए इसको हमने ऊपर करा है, ठीक है। और तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जब हमने इसको इसमें चलाया था तो इसकी जो सिलाई है ये बहुत ही बारीक आ रही थी, ये देखिए इसकी हमने चाल बढ़ा दी है, ये पेन से समझिए आप। और जब इसको हमने सही करा है तो इसकी सिलाई, ये देखिए ये गैप देखिए, अब इतनी आ रही, पहले इसकी जो सिलाई आ रही थी वो बहुत ही बारीक आ रही थी, इसको सेट करने के बाद, देखिए इसको सेट करने के बाद इसकी जो सिलाई है थी ये बहुत बारीक आ रही थी, ये बिफ़ोर, ये पहले ऐसी आ रही थी, और आफ्टर में इसको जब हमने सेट करा तो इसकी सिलाई सही आने लगी, ठीक है। अब हम इसको टेस्टिंग करके देखेंगे, चला के देखेंगे कि हमकी कपड़ा तो नहीं फाड़ रही है, ये नहीं रही है, तो इसको हम चला, तो अब हम इसको चला के देखेंगे, ठीक है, अब हम इसको चला के देखेंगे, ये देखिए हमारी मोटी सिलाई आने लगी इसमें, ये देखिए ये मोटी सिलाई आने लगी है हमारी। अब इसको हम थोड़ा बारीक पे सेट करके देखेंगे, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ से इसको बारीक पे सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने कितने, 3 नंबर पे करके देखेंगे, 3 नंबर पे करके देखेंगे, अब इसको चला के देखेंगे, यहाँ से आप थोड़ा लूज़ कर लीजिए, ये देखिए दोस्तों ये बारीक आने लगी है हमारी सिलाई, दिखाइए, ये देखिए बारीक सिलाई आने लगी, ये पहले मोटी आ रही थी, तो इसकी जो सेटिंग रहती है ना, ये अभी बारीक आ रही है, देखिए ये बारीक आ रही है सिलाई हमारी, इसकी जो सेटिंग रहती है वो आपकी ये यहाँ से रहती है, ये यहाँ से सेटिंग रहती है, ठीक है दोस्तों। फिर अगले वीडियो में आपको कुछ और नया बताऊँगा, आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।